ये तस्वीरें इस समय आप तवीर नदी के किनारे की देख रहे हैं, जहां पर फ्लाई मंडाल पुल जो पड़ता है उसके पास बने हुए जितने भी कुल्ले हैं उन कुल्लों को लेकर अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक अलार्मिंग सिचुएशन बन चुकी है। और इसी अलार्मिंग सिचुएशन से इन लोगों को बचाने के लिए फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार अनाउंसमेंट इस इलाके के अंदर कर रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पर अब कुछ देर बाद जो है पानी तवी नदी में जलस्तर के रूप में और बढ़ सकता है, और उसी से कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो उससे बचाव करने के लिए जो इन गुज्जर समुदाय के लोगों की जानवर भैंसे जो हैं वो तवी नदी के किनारे किस तरह से घूम रही हैं, और अगर पानी का बहाव जो है वो बढ़ता है तो ऐसे में इनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इसी नुकसान से बचाने के लिए अगर आप देखेंगे तो फिलहाल यहाँ पर जो पुलिस की टीम है वो पहुँच रही है यहाँ पर। और इस समय अगर आप देखेंगे तो पुलिस की टीम जो है अनाउंसमेंट कर यहाँ पर लोगों को आगाह कर रही है, सतर्क कर रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये इलाका जो है काफ़ी इस समय बारिश जो है वो हुई है और काफ़ी ज़्यादा कीचड़ जो है यहाँ पर हो चुका है। लगातार अगर आप देखेंगे तस्वीरों के माध्यम से तो लोग काफ़ी यहाँ पर इस समय आपको देखते हुए मिल रहे हैं, कुछ लोग साइकिल से हैं, और यही कोशिश जो है वो प्रशासन की तरफ से की जा रही है कि किसी भी स्तर पर यहाँ पर कोई नुकसान उठाने की जो है वो बात सामने ना आए। क्योंकि अगर जिस तरह से बात चल रही है कि उधमपुर में जो बारिश हुई है वहाँ पर तवी नदी का इस समय जो पोजीशन है वो करीबन 4.5 मीटर पर तवी नदी बह रही है और अलर्ट लेवल जो है वो 4 मीटर का है, और ऐसे में अगर पानी और बढ़ता है तो फिर 5 मीटर का जो 6 मीटर का माफ़ कीजिएगा जो दायरा है अगर वो पार हो जाता है तो फिर खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऐसे में वो पानी यहाँ पहुँचते पहुँचते करीबन 2.5 घंटे का वक्त जो है वो उनको लग सकता है। और ऐसे में अगर आप ये तस्वीरें देखेंगे साफ तौर पर तो यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो जानवर हैं गुज्जर समुदाय के लोगों के वो जानवर जो हैं इस समय तवी नदी के किनारे जो हैं वो डेरा डाले हुए हैं, और अगर पानी बढ़ जाता है तो सीधे तौर पर पानी जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ पर ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे, फिलहाल लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर इस समय बादल जो हैं वो छाए हुए हैं आसमान में, घनघोर बादल, और आज पूरा दिन और कल का दिन भी जो है वो यहाँ पर बारिश की संभावना जो है वो जताई जा रही है। और इसी के चलते किसी भी तरीके का कोई रिस्क जो है वो प्रशासन नहीं लेना चाहता है। इस समय यहाँ पर इतना कीचड़ है कि जो पुलिस की गाड़ी भी आई थी वो भी इस समय फंस चुकी है, और वो यहाँ पर अनाउंसमेंट करने के लिए आई थी, लोगों को कहीं ना कहीं आगाह करने के लिए आई थी ताकि यहाँ से लोग पीछे हट सके और किसी तरीके से लोगों को यहाँ से पीछे हटाकर उनकी जान बचाई जा सके। ये तस्वीर आप देख सकते हैं तवी नदी जो फ्लाई मंडाल का पुल पड़ता है बेलीचराना में, वहाँ की ये तस्वीरें हैं, और तवी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, बारिश भी लगातार यहाँ पर होती जा रही है। इसी के चलते अगर आप देखेंगे तो पुलिस की गाड़ी जो फंस गई थी वो फिलहाल यहाँ पर निकल गई है और अनाउंसमेंट करती हुई यहाँ से आगे दिखाई दे रही है। हालांकि 4x4 ये गाड़ियाँ होती हैं, लेकिन फिर भी कीचड़ इतना ज़्यादा था कि गाड़ी जो है वो किसी तरीके से जो निकल नहीं सकी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फिलहाल एक बार फिर पुलिस के प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं वो पूरी तरह से यहाँ मुस्तैद हैं ताकि जो लोग हैं वहाँ पर, यहाँ पर जो तवी नदी के किनारे बसे हुए हैं जो कुल्ले हैं उनको किसी न किसी तरह से बचाया जा सके। और ये गाड़ी अगर आप देखेंगे तो पहले फंसी हुई थी, अब गाड़ी जो है वो निकाल ली गई है बाहर, और यहाँ पर लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से अनाउंसमेंट की जा रही है, अनाउंसमेंट इस बात को लेकर कि अगर यहाँ पर जो लोग तवी नदी के किनारे रुके हुए हैं या रहते हैं जिनके कुल्ले यहाँ पर बने हुए हैं उनको किसी तरह का
नुकसान ना पहुंचे अगर पानी का स्तर जो है और आगे बढ़ता है। तो सीधे तौर पर तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो पुलिस लगातार यहां पर अनाउंसमेंट करती हुई दिखाई दे रही है, और यहां पर तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो तवी नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पिछले 3 दिनों से जो है अलर्ट जारी किया हुआ है IMD डिपार्टमेंट ने, और बारिश किस तरह से हो रही है वो तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि झमाझम बारिश का दौर जो है वो जम्मू में चल रहा है, और ऐसे में तवी नदी अपने पूरे उफान पर नज़र आ रही है। और ये इस समय आपको एक बार फिर हम तस्वीर दिखाएंगे पुलिस की गाड़ी की जो यहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट कर रही हैं, और अनाउंसमेंट कर सीधे तौर पर ये आप देखिए, ये सीधे तौर पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि यहाँ पर लोग जो हैं वो तवी नदी के किनारे ना जाए, फंस सकते हैं यहाँ पर। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे इलाके के अंदर जो अगर आप देखेंगे तो तवी नदी के किनारे रहते हुए लोग जो घर भी बसे हैं, जो घर बने हुए हैं वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो लगातार पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट किया जा रहा है, और ये देखने की और बताने की कोशिश की जा रही है कि पानी का जलस्तर बढ़ सकता है। पीछे से बारिश जो है वो और तेज़ हो रही है। उधमपुर से जो पानी निकला है उसे यहाँ पहुँचने में करीबन 2.5 घंटे का समय जो लगता है, और ऐसे में यहाँ पर अगर पानी बढ़ता है तो निश्चित रूप में इन लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, परेशानी जो है उनको हो सकती है। और ऐसे में सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फिलहाल जितने भी कुल्ले वाले हैं उनको अलर्ट करने के लिए पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँची हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे लोग इस समय भी अपने जानवरों को तवी नदी के किनारे जो हैं वो बैठा ऊपर चरा रहे हैं, और ये आप साफ को देख सकते हैं कि ऊपर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें मौजूद हैं। इन सबको आगाह जो है वो किया जा रहा है, चेतावनी जो है वो जारी की जा रही है। ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो सीधे तौर पर ये कुल्ले जो बने हुए हैं पुलिस वाले लगातार यहां पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और तीसरे तौर पर पीछे जिप्सी भी लगी हुई है। जितने भी जो कुल्ले वाले हैं, जितने गुज्जर समुदाय के लोग हैं यहां पर, उनको समझाने की कोशिश की जा रही है कि यहां पर किसी भी तरीके से वो लोग आगे ना बढ़े वरना मुसीबत का सामना जो है उनको यहां पर करना पड़ सकता है, उनके जानवरों का नुकसान भी जो है वो यहाँ पर पहुँच सकती है। तो यहाँ पर लगातार पुलिस की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि लोग घरों से जो यहाँ पर इनके कुल्ले बने हुए हैं इनसे दूरी बनाए रखें, क्योंकि अगर पानी चढ़ता है तो निश्चित रूप में यहाँ पर मुसीबत और यहाँ पर इनको बढ़ सकती है इनके लिए। और यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस के अधिकारी भी जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। सर, अभी क्या कुछ अनुमान लगाया गया है और क्या कुछ आगे इन लोगों को आप बता रहे हैं? अभी हम इनको अवेयर कर रहे हैं कि अपना जो है सेफ साइड पे निकल जाइए, क्योंकि पानी बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो उधमपुर से भी काफ़ी वो प्रेडिक्शन थी हमें पहले से कि काफ़ी 2-4 दिन से बारिश जो है लगातार आ रही है और रात से अलर्ट किया हुआ है। तो हम उनको समझा रहे हैं कि अपना अपना माल मवेशी खुद भी अपने सेफ साइड पे रहिए। तो आप तो खुद ही देख रहे हैं पानी, अभी तो क्या बताया गया कि पानी पीछे से और अभी आएगा। जी, अभी और पानी बढ़ने तो यहाँ पर कितने कुल्ले हैं जिनको आप लोग फिलहाल इस तरह से 20-25 के आसपास कुल्ले हैं जिनको हमने सुबह से हम लगे हैं 9 बजे से इसी काम में। तो हमने अनाउंसमेंट भी की है और उसके बाद जो हमने शिफ्ट भी किया है। ये सुबह से ये पानी जो है वो लगातार बढ़ रहा है। तो अभी इस एरिया में काफी खतरा जो है वो एरिया में जो है खतरा ज्यादा चांसेस एक परेशानी का सबब है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिलहाल खतरा यहाँ पर काफी बना हुआ है, और अगर हम बात करेंगे तो पीछे अगर आप जो जानवर हैं भैंसे हैं वो भी यहाँ पर इस समय तवी नदी के किनारे घास चरती हुई दिखाई दे सकती हैं, और ऐसे में ये सिचुएशन कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकती है। पानी का बहाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में निश्चित रूप में परेशानी का सामना जो है यहाँ पर करना पड़ सकता है। यहाँ पर अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो सीधे तौर पर ये गाड़ी जो आप देखेंगे फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस की गाड़ी जो है वो यहाँ पर
सीधे तौर पर अगर हम बात करेंगे बाढ़ होगी तो यहाँ पर अनाउंसमेंट जो है वो की जा रही है अनाउंसमेंट करके सीधे तौर पर अनाउंसमेंट करके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सीधे तौर पर फिलहाल तस्वीर अगर आप देखेंगे तो जो भी अपना अपना सामान है इसको लेके सभी ऊपर जाइए, इधर मत रुकिए, प्लीज जाइए यहाँ से। जो भी यहाँ पे अपना कीमती सामान है इनको लेके जाइए ऊपर, इधर मत रुकिए, सभी यहाँ से जाइए। खतरा बना हुआ, खतरे के ज्यादा चांसेस है, पानी बढ़ने के ज्यादा चांसेस है, कृपया करके यहाँ से जाइए। सभी नगर वासियों को सूचित किया जाता है कृपया करके नदी के किनारे मत जाए, पानी के बहाव बढ़ने के ज्यादा चांसेस है। अपना अपना सामान लेके यहाँ से जाइए, इधर मत रुकिए, कोई भी नहीं रुकना चाहिए, इधर जाइए, इधर से जल्दी जाइए। तो ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अनाउंसमेंट जो है वो की जा रही है, लोगों को समझाने की कोशिश जो है वो की जा रही है और लोगों से ये बात इनको बताई जा रही है कि कितना खतरा जो है यहाँ पर बना हुआ है और इस खतरे से निपटने के लिए कुछ लोग भी यहाँ पर हमारे साथ अगर हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ हालात जो हैं यहाँ पर बने हुए हैं और उन हालात से निपटने के लिए प्रशासन उनको क्या कुछ हिदायत जो है वो फिलहाल दे रहा है। यहाँ पर बात करेंगे इनसे। आप लोग यहाँ पर तवी में रहते हैं, अभी क्या बोला है पुलिस वालों ने? पुलिस वालों ने बोला है बागजा यहाँ से तवी आने वाली है। अरे पानी बढ़ सकता है? पानी बढ़ सकता है। आप लोगों को जानवर वगैरह काफी है, खतरा यहाँ पर बहुत है, बाहर ले जाएंगे इनको, ऊपर ऊपर ले जाएंगे। हाँ जी, अभी पुलिस वालों ने यही बताया? हाँ यही बताया सर। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस वालों ने साफ तौर पर जो है यहाँ पर लोगों को बताया। आप लोग कब से आप लोग यहाँ रहते हैं? ये आप देख सकते हैं, मेरे को माइक नहीं है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर लगातार फिलहाल प्रशासन की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से कोशिशें चल रही हैं कि यहाँ पर लोगों को समझाया जाए, बुझाया जाए और यहाँ से उनकी जान जो है वो बचाने की कोशिश की जाए। पुलिस की जिप्सी जो है वो लगातार काम कर रही है और यहाँ पर सूचित करने की बात की है। सीधे अगर तवी नदी के शॉर्ट्स में आपको दिखाऊंगा तो किस तरह से लगातार उफान बह रहा है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे किस तरह से जलस्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है, पुल पर भी लोगों का जमावड़ा जो है वो लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और सीधे तौर पर अगर हम बात करेंगे तो इस समय हालात जो है जम्मू में अलार्मिंग बने हुए हैं। IMD डिपार्टमेंट ने पहले ही इस बात को लेकर अंदेशा जाहिर किया था कि भारी से भारी बारिश जो है वो जम्मू कश्मीर में 19 से 21 के बीच में देखते हुए मिल सकती है। इसी के चलते अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो फिलहाल हालात काफ़ी ज़्यादा इस तरह से बने हुए हैं कि यहाँ पर सिचुएशन जो है वो बिगड़ सकती है और ऐसे में कहीं ना कहीं निश्चित रूप में सबके लिए एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर तवी नदी का जलस्तर बढ़ता है तो फिर अचानक बाढ़ जैसे खतरे जो है वहाँ पर बन सकता है, फ्लैश फ्लड, क्योंकि तवी नदी में अचानक जो है तवी नदी का जलस्तर बढ़ता है। और अभी उधमपुर में जिस तरह से हमारी बातचीत हुई है, उधमपुर में भी बताया गया है कि जो तवी नदी जो है इस समय लगातार उफान है और लगातार वो ऊपर बढ़ रही है और इसी के चलते कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा तो पिछले कुछ समय से, पिछले करीबन 2-2.5 घंटे से पानी की बारिश जो है वो लगातार हो रही है और जल स्तर जो है वो बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। और जो उधमपुर से पानी निकलता है वो करीबन यहाँ पहुँचते 2 से 2.5 घंटे जो है लग जाते हैं। यहाँ पर पुलिस वालों को अगर आप देखेंगे तो लगातार सभी कुल्ले वालों को, सभी गुजरों को जो दूध का काम करते हैं, जिनके मवेशी यहाँ पर रहते हैं, उनको समझाने बुझाने का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इन लोगों को किसी सेफेस्ट इलाके में शिफ्ट किया जाए। ना केवल इसी तरफ बल्कि पुल के उस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो तस्वीरें जो हैं वो अपने आप में स्पष्ट करती हैं कि किस तरह से वहाँ पर भी जो पुल का इलाका है वहाँ पर भी लगातार अगर आप देखेंगे तो दूसरी तरफ जो पुल का दूसरा इलाका है वहाँ पर भी कुल्ले बने हुए हैं, वहाँ पर भी जानवर रहते हैं और लो लाइंग एरिया है, क्योंकि ये पिछले बार 2014 में जब बाढ़ आई थी तो बहुत ज़्यादा विनाश जो है यहाँ पर देखने को मिला था। ये पुल जो है वो पूरी तरह से धराशायी हो गया था और उसके बाद इस पुल को रिपेयर कर एक बनाया गया,
आधा पुल और दूसरा हिस्सा, दूसरा पुल भी जो है वो तैयार किया गया। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फिलहाल स्थिति जो है एक बार फिर यहाँ पर बारिश के चलते बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, और लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है वो कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन, ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। एक बार फिर हम बात करेंगे, यहाँ पर चौकी इंचार्ज साहब मौजूद हैं। सर एक मिनट, आपसे ये जस्ट जानना चाहेंगे कि अभी कौन कौन से इलाका जो आपके यहाँ पर पड़ता है? हमने यहाँ से जो है ली गार्डन से लेके फोर्थ ब्रिज जो ऊपर है तभी, इसके साथ में जितने भी लोग रह रहे हैं हम सुबह से लगे हुए 9 बजे से, सबको हमने इंफॉर्मेशन दी है कि अपना अपना जो है सेफ साइड में रहिए। यहाँ से लेके ली गार्डन से और फोर्थ ब्रिज जो हमारा एरिया है बेलीचराना की जगह, अंदेशा यही है कि बारिश काफ़ी हो रही है, जैसे डोडा किश्तवाड़ उधमपुर में काफ़ी बारिश हो रही है तेज, तो चांसेस है ज़्यादा फ्लड आने के, तो इसलिए हम लोगों को जो है स्टेप जो है लिए जा रहे हैं। जी, ये लोग, इन लोगों को पहले नहीं हटाया गया क्योंकि अलार्म सिचुएशन तो पहले से ही अलार्मिंग की जा रही है। जी, ये काफ़ी सर पहले से यहाँ पे रहते हैं, ये इनका गुजर समुदाय के लोग हैं, तो इनका माल मवेशी भी काफ़ी है इनके साथ में, इनको भी हम शिफ्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा अपनी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है कि रात को यहाँ ना रहें, रुकें, अपने टेंट्स वगैरह जो हैं इस तवी से काफ़ी 1-2 किलोमीटर के एरिए से बाहर। तो लगातार कोशिश जो है वो प्रशासन की तरफ से की जा रही है, और यही कोशिश जो है वो की जा रही है कि यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई सिचुएशन जो है वो ऐसी ख़राब ना हो। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप जिस तरह से देख रहे हैं, एक तरफ मवेशी जो हैं वो तवी नदी के किनारे आपको दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये गुज्जर समुदाय के जो लोग हैं उनके कुल्ले यहाँ पर बने हुए हैं, इन्हीं मवेशियों को यहाँ पर चराया जाता है। लेकिन इस समय जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, इस सिचुएशन को देखते हुए फिलहाल इस पूरे इलाके के अंदर एक अलर्ट साउंड किया गया है, और ये बताया जा रहा है इनको कि उधमपुर से जो पानी अभी आ रहा है उसके चलते पानी और ज़्यादा बढ़ सकता है इस इलाके के अंदर, आपको खतरा हो सकता है, लिहाजा कुछ समय के लिए जब तक मौसम में सुधार नहीं हो जाता तब तक आप अपना मेकशिफ्ट अरेंजमेंट जो यहां से है उसको शिफ्ट कर लें किसी दूसरी जगह पर, और आप खुद को भी सुरक्षित स्थानों पर रखें और अपने जानवरों को भी सुरक्षित स्थान पर ले जाएं ताकि किसी भी तरीके की कोई अनहोनी ना हो सके। बाकी की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।